हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए गियर से संबंधित सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेरा वीडियो स्किप ना करें और गियर से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा वो इस वीडियो में दूर हो जाएगा। और आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, गियर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। जो कि नए चालक हों या पुराने चालक हों, गियर को लगाना चाहते हैं फर्स्ट, तो उनका गियर लग जाता है थर्ड और थर्ड की जगह लग जाता है फर्स्ट। तो दोस्तों आज हम आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए इस वीडियो के ज़रिए से दिक्कत ये आप लोगों को नहीं होगी। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये जो है गियर लीवर होता है। अब गियर ये इसमें आप देख रहे हैं जो कि लेफ्ट करके आगे वन गियर है और लेफ्ट करके पीछे सेकंड गियर है और बाकी जो है सीधा ऊपर थर्ड होता है, फिर सीधा नीचे फोर्थ होता है, फिर राइट करके आगे फिफ्थ होता है और इसी के नीचे रिवर्स होता है। तो जब भी आप कोई भी गाड़ी आप चला रहे हैं तो सारे गियर एक ही जैसे होते हैं, किसी भी गाड़ी में अलग तरीके से गियर नहीं होता है। अब हम कभी भी कोई भी गाड़ी अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर हमको बढ़ना है तो सबसे पहला गियर आपको वन ही गियर में गाड़ी को उठानी होती है। तो जब आप वन गियर में चलते हैं, जैसे ही हमारी गाड़ी की स्पीड 20 होती है तो हमको सेकंड गियर लगाना होता है। तो सेकंड गियर लगाने के लिए आपको इसको लेफ्ट ही करके पीछे लगा देना है, ये हो गया सेकंड गियर। अब बाकी हम सेकंड की जगह फोर्थ कैसे लग जाता है अब ये हम बताने वाले हैं। अब ये आपका फर्स्ट पे चल रहा है, आप क्या करते हैं गियर को इस पे लाए और सीधा पीछे मार दिए, तो ये हो गया फोर्थ गियर, ये आपका सेकंड पे गया नहीं। तो इस तरीके से आपको गियर को नहीं लगाना है कि गलत लग सके, आराम से कोई भी गियर आपको लगाना है। ये आपका वन गियर हो गया, अब ये हो गया सेकंड गियर। तो इसमें आप एकदम बिल्कुल इस तरीके से लगाइए, गलत गियर नहीं लगेगा। अब बाकी हमें सेकंड से थर्ड में जाना है तो हमको फिर इसको बीच में लेके जाना है और अपना हाथ डाल लेना है, गाड़ी आपकी चलती रहती है, अब हमको इसको ऊपर कर देना है। अब ये हो गया थर्ड गियर। अब बाकी हमारा थर्ड की जगह वन कैसे लग जाता है, तो ये हमारा हम सेकंड पे हैं, अब ये इसको ले गए आगे कर दिए, ये हो गया वन गियर, अब ये थर्ड पे गया नहीं। तो इस तरीके से गियर आप लोग ना लगाएं। अब फिर इसको फोर्थ गियर लगाना है तो हमको फोर्थ पे आ जाना है, बीच में ला के सीधा पीछे, ये फोर्थ हो गया। अब फोर्थ की जगह हम सेकंड की जगह फोर्थ लगा देते हैं, तो ये भी चीज़ अभी ये सेकंड है, अब हम यहाँ पे आए सीधा पीछे कर दिए, ये फोर्थ लग जाता है गलत तरीके से। और बाकी जो है फिफ्थ पे जाना है तो ये बीच में गए राइट किए आगे कर दिए, फिफ्थ हो गया। तो इस तरीके से आपको सारे गियर लगाने हैं। और अगर इसमें ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा भूल जा रहे हैं कि गियर हमें याद नहीं रह रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये लेफ्ट करके आगे वन गियर होता है, थर्ड गियर आगे है और फिफ्थ गियर आगे है, ये तीनों गियर आगे लगते हैं। और बाकी जो है सेकंड गियर हो गया, फोर्थ गियर हो गया और रिवर्स गियर हो गया, ये तीनों गियर जो है पीछे लगते हैं। अब हमें गियर को लगाना कब कब होता है, जैसे कि जैसे ही आप स्पीड को बढ़ाते हैं उस के हिसाब से हमको गियर लगाना होता है। अगर 0 से 10 है स्पीड तो आपका वन गियर लगेगा, 20 स्पीड है तो सेकंड गियर लगेगा, 30 स्पीड है तो थर्ड गियर लगेगा और 40 स्पीड है तो फोर्थ गियर लगेगा। आपकी जिस हिसाब से स्पीड होगी उस हिसाब से हमको गियर को लगाना होता है। अगर आप गियर को नहीं लगाते हैं तो इंजन में रेस आता है। किसी किसी गाड़ियों में गियर शो करता है लगाने के लिए, तो आप जो है मीटर में देख के उस हिसाब से गियर को आप लगा सकते हैं, या तो फिर आप इंजन की स्पीड से लगाएंगे और उसी हिसाब से गियर को भी डाउन करना होता है। अगर चलती गाड़ी में आपका गलत गियर लग जाता है तो उससे गाड़ी पे ये प्रभाव पड़ता है कि अगर आप थर्ड आपको लगाना है तो थर्ड गियर आप अगर इसमें चलती गाड़ी में वन गियर लगा देते हैं गलती से, अगर आप जब तक क्लच नहीं छोड़ेंगे तब तक तो गाड़ी चलती रहती है, अगर आप गलती से क्लच छोड़ दिए तो इससे गियर बॉक्स टूट सकता है अगर आप थर्ड की जगह वन गियर लगा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कभी भी गियर लगाने में जल्दबाजी ना करें, आराम से न्यूटन पे लाना है और सीधा कोई भी गियर आप आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप गियर को लगाएंगे तो हमेशा क्लच पूरा दबा होना चाहिए। अगर ये क्लच आप गियर लगाते वक्त क्लच अगर हल्का भी उठा रहेगा तो गियर आपका फंस जाएगा, ये मतलब ये पूरा गियर आगे या कोई भी गियर आप लगाना चाहेंगे वो आसानी से लगेगा नहीं, और इससे क्या होता है गियर बॉक्स टूट भी सकता है अगर आप क्लच पूरा नहीं दबाएं तो।
तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, कोई भी गियर आप लगाएंगे हमेशा पूरा क्लच आपको हमेशा दबा के रखना है। और जब आप क्लच को दबाते हैं, और क्लच को छोड़ना कैसे है, क्लच को छोड़ने के लिए भी आपको जल्दी से पैन नहीं लाना है, नहीं तो फिर गाड़ी हमारी झटका दे के चलेगी। तो जो भी है गाड़ी में क्लच और गियर का ही तालमेल ज़्यादा होता है। तो हम आशा करते हैं मेरा ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि मेरा हौसला ऐसा ही बना रहे, और मैं आप सभी के लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।